मैं मंजूर शेख आप से मुखातब हूँ मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर साहब के आज की तकरीर कानवान है ईमान इस्लाम और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद जहद आज हमारे बीच जलील कदर हस्ती डॉक्टर इसरार साहब मौजूद है मैं उनसे मदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो आज के इस इसवान ईमान इस्लाम और अल्लाह की राह में जद्दोजहद के केनवान पर हमसे खिताब करें डॉक्टर इसरार अहमद बनवान ईमान इस्लाम और अल्लाह की राह में जद्दोजहद अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين बह रसूल ही وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.

رواه امام احمد رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم

हमारा जो आज का मौजू है वो उनवान ही से नजर आ रहा है कि तवालत तलब है ईमान इस्लाम और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद हो सबसे पहली बात इस जबन में यह समझनी चाहिए कि क़ुरान मजीद में ईमान और इस्लाम और मोमिन और मुस्लिम तकरीबन हम मानी और मुतरादिफ अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल हुए अगरचे ईमान का ज्यादा ताल्लुक इंसान के बातिन से है उसके जहन से है कल्ब से है और इस्लाम का ज्यादा ताल्लुक उसके अमल से है ताहम जिस शख्स के दिल में ईमान है और अमल में इस्लाम है उसे आप मोमिन कहें या मुस्लिम कहें कोई फर्क वाकई नहीं होता कॉल द रोज बाई एनी नेम इट विल स्मेल एज स्वीट लेकिन यह कि अगर दो असलाहे हैं कुरान की और हमारे दीन की तो लाज़मन इनमें कोई फर्क है और ये जो आज हम जिसका मताल कर रहे हैं ये मकाम कुरान हकीम का अहम तरीन मकाम है इस खास मजमून के एतबार से ये वजाहत मैंने इसलिए कर दी कि खास मजमून के एतबार से कि कुरान का कोई एक लफ्बी गैर अहम नहीं है लेकिन मुख्तलिफ मौजुआत के एतबार से मुख्तलिफ मकामात को सबसे बढ़कर अहमियत का हामिल करार दिया जा सकता है तो खास इस मौजू पर ईमान और इस्लाम के फर्क पर यह मकाम कुरान हकीम का अहम तरीन मकाम है कालतिल कलतल आरा आमन्ना ये बद्दू लोग कह रहे हैं हम ईमान ले आए कोल्लम तू मिनबी इनसे कह दीजिए तुम ईमान हरगिज नहीं लाए हो शायद बाज हजरात सोचे ये हरगिज का लफ्ज तुमने कहां से ऐड कर दिया तो अरबी में फैले माजी की नफी का एक तरीका यह है कि माजी ही के सीधे पर माँ का इजाफा कर माँ आमन तुम तुम ईमान नहीं लाए हो लेकिन फैले मुजारे से कबल लम लाया जाए तो ये माजी की नफी है इंतहाई ताकिदी लम तो मेनू मां आमल तुम नहीं कहा लम तो मेनू तुम हर किसी मान नहीं लाए वाला किन उलू असलम ना हाँ यू कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं या हमने इतात कबूल कर ली है हमने सरेंडर कर दिया है इस्लाम की इस्लामी रियासत की बालादस्ती कबूल कर ली है वलाकिन कुलू असलमना और अब देखिए निहायत ताक़ीदी नफी पहले हो चुकी है लम तो मैनू फिर मजीद ताकीद व लम्मा यद खुल ईमान बेकुम अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में हरगिज दाखिल नहीं हुआ ये फिर लम्मा लम लम्म का इजाफा है ये मकाम है जहां इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलहदा करके एक दूसरे के मुकाबले में ले आए साबित हुआ ईमान कुछ और है इस्लाम कुछ और है जरा नोट कर लीजिए कि कुरान मजीद में या इस्लाम की असलाहत में तीन जोड़े ऐसे हैं कि जिनमें आम और खास की नस्बत है ईमान खास है इस्लाम आम है यानी हर मोमिन तो लाजिमन मुस्लिम है हर मुस्लिम लाजिमन मोमिन नहीं है यही मामला नबी और रसूल का है नबी आम है रसूल खास है हर रसूल तो लाजिमन नबी है लेकिन हर नबी लाजिमन रसूल नहीं है यही मामला जिहाद और किताल का है किताल तो लाजिमन जिहाद है लेकिन जिहाद लाजिमन किताल नहीं है इन इस्तलाहात के बारे में बहुत खूबसूरत बात कही है मुफस्सरीन ने इजल तकिया खालफा वइजा खालफा इजतमा जब ये असलाहत सामने सामने आती है एक दूसरे के आमने सामने तो उनके मफहूम में इख्तलाफ हो जाता है लेकिन अलीहदादा आ रही हो, यहां पर अकेली असला ईमान है यहां पर अकेली असला इस्लाम है तो इनके मानी तकरीबन एक हो जाते हैं। और दूसरे ये कि ये असलाहत जो है जोड़े ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं तो ईमान की जगह इस्लाम इस्लाम के की जगह ईमान ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जैसा कि मैंने शुरू में कहा ये दोनों तकरीबन कुरान के आम उसलूब के एतबार से मुतरद रामानी अल्फाज लेकिन यहां उन्हें बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है अब फिर तो आप पस मंजर समझिए कि ये कौन लोग थे जिनसे यह कहा जा रहा देखिए आपको मालूम है कि इब्तदा में जबकि हजूर अभी मकई में कशी फरमा थे तो जिस शख्स के दिल में ईमान यकीन के दर्जे में आ जाता था सिर्फ वही कहता था अशदअल्लासोया के ईमान पहले आता था इस्लामबाद में आता था इसलिए कि उन्हें मालूम था कि इस्लाम के ऐलान का मतलब क्या होगा गोया के अपने मुशरे को मैं चैलेंज कर रहा हूं अपने खानदान से ही नहीं अहलो आयाल से भी कट जाने के लिए तैयार हूं जो शख्स इस हद तक यकीन का हामिल हो जाता था वो फिर इस्लाम का ऐलान करता था लेकिन रफ्ता रफ्ता सूरत बदली हूं खास तौर पर हिजरत के फौरन बाद आपको मालूम है कि वहां अल्लाह ताला ने ऐसे हालात और इसबाब पैदा कर दिए कि जो दो कबीले वहां पर असल अरब कबीले आबाद थे औसत खजरज उन दोनों के तमाम अकाबिर ईमान ले आए और कबायली जिंदगी का मामला आपको मालूम है कि अगर सरदारों ने ईमान कबूल कर लिया तो फिर दोनों कबीलों ने ईमान कबूल कर लिया लेकिन यहां कैफियत अब वो नहीं थी यकीनन बहुत से लोग उनमें वो थे जिन्होंने दिल के साथ ईमान कबूल किया था उसके फेस वैल्यू पर तस्लीम किया था लेकिन बहुत से लोग वो भी थे कि जो ये देख करके पूरा कबीला इस्लाम ला रहा चलो हम भी शामिल हो जाए ये सूरत तब्दील होनी शुरू हो गई यानी उनके हद तक इस्लाम पहले आ गया फिर रफ्ता रफ्ता हुजूर की मईत में रहे हुजूर की सोबत हासिल रही और उससे इस्तेफादा किया तो ईमान भी पैदा होता चला गया अब यहां इस्लाम पहले आया ईमान बाद में आया यही कैफियत हमारी है आज हम मुसलमान तो पैदाइशी तौर पर हैं मुसलमान वालदे के घर में पैदा हुए इल्ला यह कि कोई और किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला ईमान कबूल करता है इस्लाम कबूल करता है तो उसे भी अपने खानदान से कटना पड़ता है उसे उसी तरह के हालात से चाहे वो मारपीट और वो प्रोसिक्यूशन और वो तशद और वो टॉर्चर न हो जो हो रहा था मक्का मुकरमा में लेकिन बहरहाल काफ़ी कुछ कीमत इंसान को अदा करनी पड़ती है अपने इस्लाम के कबूल करने की लेकिन हमारी निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे फी लाख जो अक्सरियत है वो तो उन्हीं पर मुश्तमिल है जो आबाव व अजदाद की वजह से ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मुसलमान है तो इस्लाम तो पैदाइश के तौर पर मिल गया पैदा होते ही दाहने कान में अजान पढ़ी गई बाएं में इकामत कही गई बड़ा अजीब सा नुकता है एक साहब ने जब बयान किया तो मैं वाकई चौंक गया, इंसान की पैदाइश के वक्त अजान दी गई और इकामत कही गई नमाज कोई नहीं और उसके इंतकाल के वक्त नमाज पढ़ी गई बगैर किसी अजान के बगैर किसी अकात के गोया कि उस नमाज की अजान और इकामत पैदाइश के वक्त है जो नमाज जनाजा की शक्ल में उसकी मौत के वक्त पढ़ी जा रही है। और यूं कहा जा सकता है कि हमारी यह दुनियावी जिंदगी बस इतने ही वक्फे का नाम है जितनी की अजान और अकामत और नमाज के दरमियान होती है बहरहाल ये जो सूरत हाल की तब्दीली हुई जिसको मैंने कहा कि हमारे यहां यह दूसरी तब्दीली सद फीसद मौजूद है यह तब्दीली अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गई जब हुजूर को अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी अटा की कि मक्का भी फतेह हो गया तो अगर चे अरब में कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी कोई हुकूमत फॉर्मल वहां कायम नहीं थी लेकिन कुरैश का मकाम पूरे अरब में ऐसे ही था जैसे कि किसी मुल्क का सदर मुकाम होता है मजहबी मरकज वही था खाना काबा वहां था तमाम कबीलों के बुत वहां रखे हुए थे कुरैश उसके मुतवली थे लिहाजा कुरैश को इम्तियाजी हैसियत हासिल हो गई और उसका सबसे बड़ा मार्शी फायदा जो उन्हें हुआ था वो ये था कि जबकि दूसरे किसी कबीले का कोई तिजारती काफिला बचकर नहीं जा सकता था उस पर लूट मार वहां कुरैश के काफले को कोई हाथ नहीं लगाता था इसलिए कि हमारे तो खुदा उनके हॉस्टेज है हमारे बुथ जो है रखे हुए हैं उनके पास खाना कबा के अंदर अगर हम इनके काफले पर को हमला करेंगे तो वो हमारे बुतों की गर्दन तोड़कर या ऐसे उठाकर बाहर फेंक देंगे तो बहुत बड़ा सियासी और बहुत बड़ा माशी फायदा कुरैश को था इस खाने काबा की वजह से और इस पर एक पूरी सूरत है कुरान मजीद की ले इलाफे कुरैश इलाफे हिम रेहलत शिताए व सैफ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ इस घर की वजह से उनको माशी फवायद हासिल है और अमन हासिल है महाराज जब मक्का फतह हो गया हुजूर के दस्ते मुबारक पर सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला तो अब पूरे अरब के अतराफो अकनाफ में यह बात तय हो गई कि अब जदीद इस में हम कहेंगे इट्स नो यूज कंटिन्यूइंग रेजिस्टेंस अब हम क्या मुखालफत करें और क्या अब आपका रास्ता रोकने की कोशिश करें बात खत्म हो गई जब मक्के पर अब हुजूर का कब्जा है सल्लल्लाहु अलैहि से तो अब कबीलों ने अपने वफद भेजने शुरू किए फला वफद आ रहा है ईमान का ऐलान कर रहे है पूरा कबीला ईमान ले आया है फला कबीले का वफद आ रहा है ईमान का इजहार कर रहे है मुसलमान हो गए हैं पूरा अरब मुसलमान हो गए अब ये लोग जो ईमान ला रहे थे और ईमान लाने का मतलब क्या सिर्फ ये कह देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अंदरूनी कैफियत तीन में से कोई सी एक हो सकती थी या तो वाकई इनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो वाक दिल से ईमान लाए ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ही से ईमान ला चुके हों लेकिन अपने कबीले की असबियत की वजह से और ये कि फिर कबीले को छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा वो इजहार ना कर रहे हो अब उसके इजहार के अंदर कोई माने नहीं रहा कोई रुकावट नहीं रही कोई रिस्क नहीं रहा यह भी हो सकता तो एक मुमकिन कैफियत तो यह थी कि वो ईमान लाए हो हकीकतन सिद्ध के कल्प से और एक मुमकिन सूरत यह थी और यह हर इनकलाबी अमल में होता है कि मुखालिफ इनकलाब कौतें जब यह समझती हैं कि अब हमारा बस नहीं चलेगा अब हम इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकते तो बजाहिर सरेंडर कर देते हैं लेकिन दिलों में एक इरादा होता है देखेंगे कोई मौका मिला वो हालात बदले तो फिर इनसे निपट लेंगे अगर किसी ने इस नीयत से इस्लाम का इजहार किया तो वो गोया के मुनाफिक था लेकिन बहुत से लोगों की कैफियत हो सकती है नजरी एतबार से कि ना मुस्बत तौर पर ईमान है ना मनफी तौर पर निफाक है कोई धोखा देने का इरादा भी नहीं है कोई सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इस्लाम का इजहार नहीं किया है तो गोया कि ये पॉजिटिव वैल्यू ईमान की प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ईमान के दर्जे हैं एक आम आदमी का ईमान है एक अबू बकर ईमान है और आसमान का फर्क है खुद सहाबा में ये दर्जा बंदी थी और हम तो अपने ईमान से क्या नस्बत और क्या तनासुब कायम करेंगे सहाबा के ईमान के साथ बिलखसूस अबू बकर जैसे सिद्दीक अकबर के ईमान के साथ रजी अल्लाह ती तरह माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये मुनाफिकत के दर्जे हैं किस दर्जे का निफाक है किस दर्जे में डिटर्मिनेशन है हैव ओनली टू टाइम अब इसके सिवा चारा नहीं है अब हम रेजिस्ट नहीं कर सकते इट्स नो यूज कंटिन्यू रेजिस्टेंस झुका लो एंड वेट फॉर अपॉर्चुनिटी के फिर खड़े हो और से इनकलाब को अंडू कर दे खत्म कर दे काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जैसे कि बिलफेल हुई झूठे दबी खड़े हो गए और एक वहां मरहला तो ऐसा आया कि मालूम होता था कि पूरा अरब मुर्तद हो गया जैसे वो शक्ल थी उसके बिल्कुल बरक्स पोजीशन हो गई इस्लाम जो है वह सिर्फ चंद शहर जो है हिजाज के उन तक महदूल रह गया ने एक उन्वान कायम किया है इस बात इस्लाम बल ईमान इस्लाम का इस बात तस्लीम कर लेना इस्लाम को बगैर ईमान के इस आयत के हवाले से कालत लारेमा अब अगला टुकड़ा इस आयत का यह साबित कर रहा है कि वह मुनाफिक नहीं थे अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इता करते रहो इसलिए इस्लाम के मानी ये तो है ये तो लाजमन करना होगा वो दौर जो है आज की तरह तो नहीं था कि नमाज ना पढ़ो तब भी मुसलमान पढ़ो तब भी मुसलमान करोड़पति होने के बावजूद हज ना करो तब भी मुसलमान तो ये बात तो नहीं थी उस वक्त तो यह कि एतात तो करनी पड़ती थी इसलिए कि एतात तो जाहिर हो जाती है कोई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है एक छोटी सी बस्ती मदीने की उनमें कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा साफ वाजे होता था लिहाजा मुनाफिक को भी आकर नमाज पढ़नी पड़ती थी बल्कि जो रईसुल रईसलमुनाफिकीन था वो हमेशा पहली शब्द होता था और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े होते थे तो पहले वो खड़ा होता था और कहता लोगो देखो इनकी बात तवज्जो से सुनो ये अल्लाह के रसूल है वो अपनी अहमियत जिताने के खातिर इसलिए कि ये जो औस और खजरत के दो कबीले थे इनमें औस का कबीला छोटा था खजरत का बड़ा था और उसका सरदार ये था सबसे बड़ा और इसके लिए तय हो चुका था मदीने वाले इस जरूरत को महसूस कर रहे थे कि यहां पांच कबीले आबाद हैं और दो तो कदीम अरब के हैं जो यमन से आकर आबाद हुए औस और खजरत और तीन अरब से बाहर से आए हुए हैं यहूदी कबाइल बनू कैनका बनू नजीर या नुजैर और बनकुरैजा अब पांच कबीलों का एक शहर है हर कबीले का निजाम तो अपनी जगह मुस्तकम है उसका एक सरदार है और उसकी बात कबीले वालों को माननी है लेकिन इन पांचों के दरमियान मामलात जो हैं कोई आर्बिट्रेटर होना चाहिए कोई एक ऐसा होना चाहिए शख्स कि जिसकी बात वो पांचों सुने और माने इसलिए उन्हें बादशाह की जरूरत महसूस हुई कि किसी को हम अपना बादशाह बना लें और कोर फाल बना में मन दीवाना जदनंद अब्दुल्लाबन उबई उसके बारे में तय हो गया ये हमारा बादशाह होगा उसके लिए ताज तैयार हो गया सोने का ताज पोशी बाकी थी कि हजूर तशरीफ आए बेताज बादशाह की हैसियत से उसके सारे ख्वाब बिखर गए लिहाजा मुनाफिक के अव्वल भी, वो और भी वो। तो हो और मुनाफिकीन भी हो ईमान तो वो भी ले आया अगर जो लाया जरा लेट्स गजब बदर के बाद लेकिन यह है कि वो ईमान लाया था उसी अंदाज का कि अभी देखेंगे हवा देखो हवा का रुख देखो तेल देखो तेल की धार देखो कोई हालत ऐसी हो जाए कि फिर मामला तलपट कर दिया जाए तो यहां कहा जा रहा है वह इन रसूल लाद को बिना जबकि मुनाफिक का कोई अमल भी कबूल नहीं लेकिन यहां पर गया कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इतात करते रहोगे तो अल्लाह तारा तुम्हारे अमाल के अजन सवाब में कोई कमी नहीं करेगा देखिए उसूली एतबार से बात यह है कि ईमान के बगैर कोई अमल जो है कबूल ना हो यहां ईमान के बगैर नेकियों के अमाल के कबूलियत का ऐलान किया जा रहा है गोया की यह खास रियायत है इसलिए आज खत्म हो रही है इन्नल्लाह गफूर रहीम अल्लाह गफूर है अल्लाह रहीम है यह उसके शान गफारी का सदका है यह उसकी शान रहीमी का सदका है कि इस हाल में भी तुम्हारे आमार अगर तुम इतात करते रहोगे अल्लाह और उसके रसूल की तो अल्लाह कबूल फरमा लेगा अलबत् यहां यह नोट ऑफ कौशन सामने रहना चाहिए क्या इतात जुजवी नहीं इतात खुली पूरी की पूरी इताहत दो हुक्म भी दिया गया मानना पड़ेगा जुजू इताहत नहीं है पार्शल ओबीडियंस इज नो ओबीडियंस इसलिए कि अगर आपने एक हुक्म कबूल कर लिया एक नहीं किया तो जो नहीं किया क्यों नहीं किया कि वो आपके नफ्स को पसंद नहीं जो कबूल किया वो क्यों किया कि नफ्स ने अलाउ कर दिया आपको कि ठीक है कर लो कोई हर्ज नहीं दोनों हालतों में वीटो तो नफ्स के हाथ में है लिहाजा पार्शल ओबीडियंस इज नो ओबीडियंस एट ऑल चुनाचे उस पर जो वईद आई है सूरह आयत नंबर पिचासी में अफतो में अफतोमनूना बेबाजिल किताबें व तकफरूना बेबास तो क्या तुम हमारी किताब और शरीयत के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते फमाजाओ मई यजा कम इनकुम तो जो कोई भी तुम में से यह रविश इख्तियार करेगा उसकी कोई सजा नहीं है हैत दुनिया सिवा इसके कि दुनिया की जिंदगी में जलील और खार कर दिए जाए वो यौमल कयामतूना इला अशदिल आजाब और कयामत के दिन शदीद तरीन आजाब में झोंक दिए जाए बिगाफिले नम्मा और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है तुम अपनी जाहिर टीप टाप से अपने दाढ़ियों के तूल से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते अपने उम्रों और हजों की तादाद से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते ही सीज यू थ्रू एंड थ्रू तुम्हारे बातिल को देखता है तुम्हारे दिल को देखता है उसे मालूम है कि तुमने हज तो किया हराम की कमाई से किया है बहरहाल ये बड़ी शदीद वईद वाली आयत है कुरान मजीद में कि जिसका नक्शा हमारी निगाहों के सामने आज दुनिया में मुसलमानों की क्या वो है क्या हैसियत है सवा अरब से लेकर डेढ़ अरब तक की तादाद है जो आकी जाती है मुसलमानों की दुनिया में गोया के हर चौथा या हर पांचवां इंसान मुसलमान है कितना बड़ा रकबा उनके कदमों तले है हर तरह के वसा अल्लाह ने मुहैया किए हैं मादनियात नबातात फिर जो आज की सबसे बड़ी दौलत तेल उसके सबसे बड़े जखीरे मुसलमानों के कदमों तले इस सब के बावजूद इज्जत नाम की कोई शय नहीं बैन अवी मामलात में कोई हमसे राय लेता ही नहीं कस्तमी फुरसत के भैया कीस्ती तुम हो कौन तुम्हारी राय क्या जी सेवन बैठेंगे जी नाइन बैठेंगे जी थर्टीन होंगे जी फिफ्टीन होंगे वो बैठ कर तय करेंगे कोई मुसलमान मुल्क ना जीन सेवन में ना जीन फिफ्टीन में जिसे हम मुहावरे में कहते हैं ना तीन में ना तेरह में यह है हमारी इज्जत आज दुनिया में अक्सर मुसलमान मुल्कों की हुकूमतें अमरीका की जेब में है यह है हमारी हैसियत तो जिल्लत जो है वो तो आज हम पर है मुसलत फमाद जज़ा मफानजाले का मिनकुम्लाखिजुन फ़िलहती दुनिया व योम क़यामत है अब ये क़्यामत के दिन की बात जो अल्लाह फरमा रहे हैं दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह उससे बचा ले करम फरमाए अपनी शान गफारी और शान रहीमी से हमें उस रोज़ की ज़िल्लत से और शदीद तरीन अजाब में झोंक भे जाने की जो यहाँ पर खबर सुनाई जा रही है वईद सुनाई जा रही है अल्लाह ताली उससे बचा लें तो इस आयत को अब आप सामने रखिए अलबत्ता एक बात मैं और आपसे अर्ज कर दूं कि जो कैफियत इस आयत में सामने आई है यह मुस्तकिल नहीं रह सकती अगर कोई शख्स वाक तन चाहे आगाज में उसका दिल पॉजिटिवली ईमान से खाली था लेकिन साथ ही नेगेटिव निफाक से भी खाली था कह सकते हैं जीरो लेवल है प्लस वैल्यूज और माइनस वैल्यूज के दरमियान जीरो आएगा तो बात इनके एतबार से चाहे वो जीरो लेवल पर था लेकिन अगर वो इताज करता रहा नमाज पढ़ता रहा रोजा रखता रहा जक़ात देता रहा हराम चीजों से बचता रहा फराइज अदा करता रहा तो इससे लाजमन ईमान पैदा हो जाएगा उसके दिलों में इसलिए कि यह दो तरफा प्रोसेस है बाई ईमान से अमल पैदा होता अमल से ईमान पैदा होता अमल इंसान जब करता है अल्लाह की राह में कुर्बानियां देता है ज्यादत हम ईमाना उनके ईमान में इजाफा हो गया अच्छा अब यह है पस मंजर ईमान और इस्लाम का फर्क अब इसके हवाले से यह भी इससे पहले अगर मैं इशारे कर चुका हूं इस्लाम की जो तारीफ की गई है

कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल फिर चार इबादत है नमाज है रोजा है ज़कात है हज़ तो इस्लाम जो है दुनिया में कायम है इन पांच बुनियादों पर अब इनमें खास तौर पर देखिए लफ्ज ईमान कहीं नहीं आया गोया के इस्लाम की बुनियाद इकरारूमिसान पर है और दुनिया में किसी शख्स के मुसलमान समझे जाने का दारोबदार सिर्फ इसी पर होगा अगर फोकहा ने कहा है कि तस्दीक बिल्कुल भी होनी चाहिए साथ ठीक है लेकिन हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना दुनिया में तो मामला कानून का है और कानून तो वेरीफाइबल फैक्ट्स के ऊपर फैसला करेगा हम ना किसी के ईमान को वेरीफाई करके सनत दे सकते हैं कि ईमान है ना किसी के ईमान की नफी कर सकते हैं तो दुनिया में मामला सारा इस्लाम पर है एक मुसलमान इस्लामी रियासत का मुकम्मल शहरी है एक मुसलमान मुसलमान माशरे का मुकम्मल एक रुकन है इस्लाम ही पर सारा निजाम है इस दुनिया में लेकिन आखिरत में सारा दारोमदार ईमान पर है इसलिए कि अल्लाह तो माज़ूर नहीं है कि दिलों के हाल को ना जानता इला इला कुम, कुम, कुम वला वला कुम। अल्लाह इलासोवर वालंजुरोला तुम्हारी सूरतों को देखता है ना तुम्हारे मालों को देखता है बल्कि वो तो देखता है तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को इमाम बुखारी रहमत का मौतफ कि ईमान में अबल भी शामिल है इंटीग्रल पार्ट की हैसियत से यह हकीकी ईमान के एतबार से सद फीसद दुरुस्त है तो दिल में यकीन होगा तो कैसे अमल उसके खिलाफ हो जाएगा लेकिन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर इसे हम इस्लाम कहेंगे अब अलीहदा है ईमान अलीहदा है और ईमान हकीकी घटता भी है बढ़ता भी है ज्यादत हम ईमाना ज़्यादा माजादा मिल्ला ईमान तस्लिमा सुर अहज़ाब में फरमाया कि वो जो बारह हजार का लश्कर आ गया था और एक शदीद सूरत पैदा हो गई थी और महसूस होता था दिस इज एंड जैसे कि एक चिराग जल रहा है मैदान में रखा हुआ और झक्कड़ चल रहा है बुझाने के लिए तो मुनाफिक का निफाक उनकी जबानों पर आ गया माँ बाद व रसूलोल्ला हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे किए थे वो सब झूठे साबित हुए हमसे कहा गया था कैसरों किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में होंगे और आज क्या है हम रफे हाजत के लिए बाहर नहीं जा सकते तो मुनाफिकीन के अंदर का रोग जो था वह उनकी जबानों पर आ गया और अहले ईमान का मामला क्या हुआ उन्होंने जब देखा रम्मा अहब कालू हालासा का, यही तो है जिसका हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था यह आए तो सूरह बकरा में नादिल हो चुकी थी हम लाजमंद आजमाएंगे तुम्हें लाजमंद आजमाएंगे खौफ से भूख से फकर से जान और माल और समारात के जिया से और जिया से फसल तैयार खड़ी है और अयन वक्त आ गया है जंग का और वक्त पर फसल खजूर की उतारी न गई तो तबाह हो जाएगी लेकिन नहीं निकलना है यही मामला था जो कि तबूक के मौके पर हुआ है कहत की कैफियत थी और अब फसल तैयार थी अब सारी उम्मीदें उस फसल पर थी खजूर की लेकिन जाहिर है कि खजूर की फसल उतारना कोई आम खातिन का काम तो नहीं है लेकिन मर्दों से कहा जा रहा निकलो अल्लाह के नाम है सब सब पहली मरतबा फीरें आम थी हर साई में ईमान निकले तो एक बहुत बड़ी आजमाइश तो जो राशिकल ईमान थे सादिकल ईमान थे उनका रद्द अमल सिचुएशन एक ही है मुनाफिकीन कह रहे हैं माँ बादल रसूल हमें तो अल्लाह और उसके रसूल ने सब्ज बाग दिखाकर भरवा दिया और एहलेमान कह रहे हाजा मा वाद्लाह रिमा और उनमें नहीं कोई शह बड़ी मगर ईमान और तस्लिम के जबकि वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ईमान है वो एक जामिद शय है इट्स ए लीगल स्टेटस दैट यू गेट एज ए मुस्लिम तो यह स्टेटस ना घटता है ना बढ़ता है ये नहीं हो सकता कि एक बाप के अगर दो बेटे हैं और एक मुत्तकी है जाहिद है आबिद है तहजदगुजार है दूसरा फासिक फाजिर है तो विरासत में उस तहजुदगुजार को ज्यादा हिस्सा मिले और दूसरे को जो है वो कम मिले नहीं मुस्लिमों ले, ले मुस्लिम तमाम मुसलमान आपस में जहां तक उनके लीगल और पोलिटिकल हकूक का ताल्लुक है बराबर तो यह फर्क है ईमान और इस्लाम में अलबत् मैं आपको बता चुका हूं कि यह भी हो सकता है कि इस्लाम पहले आए ईमान बाद में आए हम में से जब भी अल्लाह ताला किसी को नसीब फरमा दे हकीक ईमान यकीन वाला ईमान जैसे मैंने दुआ की अल्लाह नव कलू बना बिल ईमान अल्लाह हमारे दिलों को मुनवर कर दे रोशन कर दे ईमान के साथ नूरे ईमान से जगमगा उठे हमारा दिल वशरह सुदूर अनाल इस्लाम और हमारे सीनों को खोल दे इस्लाम के लिए इस्लाम की हर शह हमें हसीन नजर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी अयाम में यह वाक्य पेश आया कि हजूर बस्ती नबी में तशीफ फरमाए मजमा मौजूद है अचानक एक शख्स जाहिर होता शदीद व्याज सयाब शद सवाद शाह उसका लिबास इंतहाई सफेद साफ कोई उस पर धब्बा नहीं दाग नहीं मैल नहीं बाल इंतहाई सियाह चमकदार गर्द आलूद नहीं वला यारिफ हुआ हादन्ना और हम में से उसे कोई पहचानता भी नहीं था किसी भी रेत से खाक से बिल्कुल आलूदा हुए बगैर बाल हैं तो शायद ये मदीने कराने वाला हो तो मदीने वालों में से कोई तो होता कि जो उसको जानता पहचानता कोई ना कोई तो ग्रीट करता उसको मजबे में आओ आओ इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ कोई नहीं और अगर बराह बाहर सफर से आ रहा है तो कुछ गर्द बाल होते कुछ कपड़े बेले कुचैले होते तो लोग हैरान थे और मजीद ये कि उसने सीधा तीर की तरह मजबे को चीरता हुआ हुजूर के एन सामने जाकर बैठ गया अब लोग हैरान ये है कौन इसकी ये जुरत ये जसारत और इस तरह दो जानू बैठा के हुजूर के अब घुटनों के साथ अपने घुटने जोड़ दिए और हुजूर की रानों पर अपने दोनों हाथ रख दिए अब सवाल किया या मोहम्मद अकबर अनिल इस्लाम मोहम्मद मुझे बताओ इस्लाम क्या है ने फरमाया वही जो मैं अभी आपको हदीस सुना चुका हूँ रसूल रमजान तो फिर कहा अकबर लेकिन यह कि इन रिवायतों में भी इसको रवायत करने वाले बहुत से साहबा हैं उमर भी है खुद भी हैं रजी अल्लाह तुम अबू हुरैरा भी है इब मसूद भी हैं क्योंकि एक मजमे में वाक हो रहा था ना तो मजमे के अंदर तो बहुत से लोग सुन रहे हैं अगरचे जैसे आज भी होगा कि मैं जो बात कह रहा हूं आप में से बहुत से हजरा मेरी सारी बात सुनकर अगर कहीं जाकर रिपोर्ट करेंगे तो उनकी बातों में इख्तलाफ हो जाएगा लिहाजा इस हदीस की रिवायत में इख्तलाफ है बाद रिवायत तो यह है कि पहले पूछा अकबर अली ईमान फिर पूछा अकबर अली इस्लाम और ये जो हजरत उमर की रिवायत है उसमें है सबसे पहले आपने पूछा अखबिरनी अनिल इस्लाम फिर दुआ सवाल आया अखबिरनी अनिल ईमान अच्छा उसके बाद एक दो सवाल और भी किए मैं तफसील में नहीं जा सकता फिर वो शख्स चला गया हजूर ने कहा जरा उसको बुलाना वापस तो देखा तो कहीं भी नहीं जमीन खा गई आसमान उचक्कर ले गया अल्लाह जाने तब हजूर ने फरमायाब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे योकुम दीनकुम इसम तस्लू हो जबकि तुमने उसके बारे में सवाल नहीं किया और यह पहली बार है कि मैं जिब्राइल को पहचान नहीं सका इंसानी शक्ल में वो आए और मैं पहचान नहीं पाया वरना अक्सर हजरत देहिया कल्बी की शक्ल में आते थे इंसानी सूरत में जब भी हजरत जब्रैल आते थे हजरत देहिया कलबी जो है वो बहुत ही हसीन हसीन जवान राना उनकी शक्ल में आते थे बहरहाल यह इतना अहम मसला है कि इसको क्लियर करने के लिए कि दूध का दूध पानी का पानी अलहदा हो जाए ईमान क्या है इस्लाम क्या है दुनिया का निजाम इस्लाम पर है ईमान पर नहीं है आखरत का मामला ईमान पर है इस्लाम पर नहीं है कोशिश मुसलमानों का बहुत बड़ा कायद हो बहुत बड़ा लीडर हो लेकिन हो सकता है आखरत में जीरो हो मैं हदीस सुना चुका हूं आपको एक शख्स दुनिया में शहीद समझा जा रहा था एक शख्स दुनिया में बहुत बड़ा आलिम समझा जा रहा था एक शख्स दुनिया में बहुत बड़ा सखी समझा जा रहा था और अल्लाह ने सबके दावे जो है उनकी नफी कर दी तुमने जंग की थी इसलिए लेयुकला जरी उन कहा जा जाए बहुत ही जरी आदमी है साहब बहुत बहादुर आदमी क्या कहने उसके लेकाल सखी उन भाई बड़ा सखी आदमी है सखावत के दरिया बहा दिए उसने भाई बहुत बड़ा आलिम है उससे इल्म का कितना जो है लोगों को फैस पहुंचा है वक़्त कीला ये तुम्हारा मकसूद था वो मकसूद दुनिया में हासिल हो चुका तुम्हारी शहरत के डंके बच चुके अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं और फिर अल्लाह हुक्म देगा और फरिश्ते मुँह के बल घसीटते हुए उसे जानों में झोंक देंगे तो वो इस्लाम वहाँ काम नहीं आएगा बल्कि इस्लाम क्या इस्लाम पर इतनी इजाफी खूबियां भी काम नहीं आएंगी अगर दिल में ईमान नहीं और उसके नतीजे में नीयत दुरुस्त नहीं हकीकतुलबिर पर हम गुफ्तू कर चुके हैं देखी कि असल हकीकत क्या है इसी मौजू पर असल में इमाम अबू हनीफा जो फकीर है उनकी कोई किताब और तस्दीफ फिका पर नहीं है वो सारे उनके शागिर्दों के फतावा हैं जो बाद में मुतब हुए हाँ उनकी एक तस्नीफ है अलफिकल अकबर बड़ी फिका जो मेजर इश्यूज़ हैं मुसलमान कौन है और मुसलमान गुनाहे कबीरा करे तो काफिर हो जाता या नहीं हो जाता बाज अहादीस से साबित होता कि वो हो तो काफिर हो गया ईमान से महरूब हो गया मैं वो हदीस सुना चुका हूं आपको वाला खुदा की कसम वो शस मोहमिन नहीं खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं साहबा लड़स गए कांप गए किला मन या रसूल किसके बारे में कि जिसकी ईजा आसानी की वजह से उसका पड़ोसी चैन में नहीं है, अमन में नहीं सुकून में नहीं तो बजाय तो नतीजा निकला कि ईमान की इतनी नफी हो रही तो काफिर है और यही सबसे बड़ी गलती जो सबसे पहला फिरका पैदा हुआ इस्लाम में वो तो इसी बुनियाद पर हुआ था खबारिश का मौका यही था गुनाह कबीरा का मुरतकब काफिर है और काफिर है तो गोया कि मुर्तद है और मुरतद है तो वाजिबल कत्ल है उसका माल भी तुम पर मुबा है कि ले लो और कब्जा कर लो उसकी बीवियां बेटियां भी तुम पर मुबा है कि उन्हें अपनी कलीजे बना लो हालांकि बड़े मुत्त ही लोग थे खवारिज हजरत अली को बहरहाल उनसे जंग करनी पड़ी चार हजार खवारिज जो है जंग नहरवान के अंदर कत्ल हुए और फिर खवारिज की तकफीर पर उम्म का इजमा हुआ कि वह दायरा इस्लाम से खुद खारिज हो गए थे इन मौजूद पर इमाम अबू हनीफा की तस्लीम अपनी है गुनाहे कबीरा से भी वो शख्स काफिर नहीं होता बहरहाल हमारा जो असल मौजू है उसकी तरफ मैं आ रहा हूं इस्लाम और ईमान को जब अलहद अलीहदा इस तरह कर दिया नेचुरली अब एक सवाल पैदा होता है कि फिर मोमिन को डिफाइन कीजिए हु इज अ मोमिन वी वॉन्ट टू बी एक्नोलिज दोमिन क्या प्री रेकट्स हैं क्या शराइ हैं ये देखिए रबते आयत रबत आयत बिल आयत क्योंकि आयत नंबर चौदह में इस्लाम और ईमान जुदा और कुछ लोगों का इस्लाम कबूल इतात कबूल ईमान की नफी मुतलक लम्बू में नू वल ईमान तो इस पस मंजर में नेचुरल क्वेश्चन है जो उठता है तो अब कौन है डिफाइन कीजिए और ये आयत अगली इस एतबार से ने मजीद की अहम तरीन आयत है ए कॉम्प्रीहेंसिंग डेफिनेशन ऑफ हु इज ए मोमिन जिसको इसलाह में कहा जाता है जामे और माने तारीफ जामे और माने तारीफ किसी चीज को डिफाइन करें इस तरीके से कि कोई शेय जो उसके बाहर है वो उसमें दाखिल ना हो जाए और कोई शेय जो उसका जुज है बाहर ना रह जाए जामे भी हो उसके तमाम अज्जा उसमें आ जाए और माने हो कि कोई शे जो उससे मुनासबत न रखती हो उसमें शामिल ना हो सके जहां में वो माने तारीफ मोमिन की वो इस आयत में आयत नंबर पंद्रह मेंजीन आम व रसूल ही अब यहां भी वो उस बे हसर है इन नमा और हसर का मखू में कई दफा समझा चुका हूं कि आप कहें कि जैद आलिम है इससे दूसरों के इल्म की नफी नहीं हुई और भी हो सकते हैं जैद ही आलिम है तो दूसरों की नफी हो गई कि इस मजमे में सिर्फ एक आलिम है और वो जैद है बाकी कोई आलिम नहीं इसे हसर कहते हैं तो मैंने चूंकि कहा है कि मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हु इज अ मोमिन इसका आगाज भी हसर से है इसका इख्तिताम भी हसर पर है इन नबा कल मेंसर है और आखिर में उलाय का सादिकून वो भी उस हसर है इन नोमिन लजीना बिल्लासूल ताबू मोमिन तो सिर्फ वो है जो ईमान ला अल्लाह पर और उसके रसूल पर फिर शक में हरगिज नहीं पड़े ये फिर लम आ गया यहां मरताबू नहीं आया लम यर ताबू हरगिज शक में नहीं पड़े ये वाहिद मकाम कुरान का जहां पर कि ये लफ्ज इजाफी तौर पर आया है ईमान के बाद सुमलम यर ताबू यर बना रैब से शक अलीफलामीम जालिकल किताब ला लार बफी इरताबा यरताबो शक में पढ़ जाना सुम मलम यर फिर शक में हर चीज नहीं पढ़े उनका दिल ईमान पर यकीन के साथ मामूर हो गया चुनाचे पॉजिटिव अंदाज में यही शान बयान हुई है साहबा की अक्सरियत की इसी सूरह हुजरात में फरमाया गया साहबा के राम से फी अल्लाह ने तो तुम्हारे नजदीक ईमान को महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में खुबा दिया है मुजयन कर दिया तुम्हारे दिलों को ईमान से मुनवर कर दिया तुम्हारे दिलों को ईमान से हां फरमायान लजीन आ रसूल इजाफी शर्त व जाहद और जिहाद किया उन्होंने अपने मालों के साथ और जानों के साथ अल्लाह की राह में यह दूसरी शर्त लाजिम तो जिहाद के बगैर कोई मान नहीं जामे और तारीफ है उलाय का सिर्फ ये लोग सच्चे हैं ये अगर दावा करें आमन्ना तो ठीक है इनका दावा सही है दुरुस्त है लेकिन ये दो प्री रेकोजिट्स पूरे करने होंगे अब इसको मैं समझाने के लिए कहा करता हूं कि देखिए ये पांच अरकान तो इस्लाम के हो गए कल में शहादत नमाज रोजा हज जक़त इसमें जब हकीकी ईमान दिलों में उतर जाएगा तो एक तो रुकन यहां इजाफी हो जाएगा यकीन कल सिर्फ गवाही नहीं सिर्फ वर्बल स्टेशन नहीं यकीन कल भी और दूसरा अमल में आ जाएगा जिहादी सभी वो पांचों अरकान कायम रहेंगे इस्लाम आम है ईमान खास है तो इस्लाम के पांच अरकान तो है मौजूद वो तो शामिल रहेंगे अगर अगरचे जाहिर बात है जब दिल में यकीन पैदा हो जाएगा तो अब नमाज की शान कुछ और होगी एक है छुदा उतारा जा रहा है बस नमाज एक फिकी जो है वो हमने अदा कर दी है जिसको कहा गया है कि जैसे मुर्गा ठोंगे मारता है ऐसे सजदे किए हैं और गए एक नमाज वो होगी जिसे हुजूर ने कहा असला तो मेरा राजमान हकीकी के साथ नमाज की शान कुछ और होगी और एक इस रश्मि से इस्लाम के साथ नमाज की शान कुछ और होगी लेकिन वो पांच अरकान कायम रहेंगे दो का इजाफा हो जाएगा शहादत के बाद उसके साथ यकीन कल भी और इन चार इबादात के साथ जिहाद फीस ये जो रे ऑफ लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे प्रिज्म में से जब गुजारे तो सात रोशनियां नजर आती हैं वो तो नजर आती है दो और भी है जो नजर नहीं आती अल्ट्रावायलेट इंफ्रा रेड यह अल्ट्रावायलट है और यह इंफ्रा रेड है जिहाद वाली जिसमें जाने देनी पड़ती है खून का मामला भी आता है ये गोया के हकीकी ईमान के सात अरकान हो जाएंगे पांच जमा दो तब वो शख्स मोमिन कहलाने का मुस्तक होगा कोला तो मैं नबीन इनसे कहिए तुम अल्लाह को बताना चाहते हो जितलाना चाहते हो अपना दीन मैं चूंकि हरियाणा में पैदा हुआ था हिसार में तो वहां की जो मकामी बोली थी उसकी कुछ चीजें याद हैं चना बाजे घना जो चना अंदर से खाली हो गया कीड़ा खा चुका है उसके अंदर आवाज ज्यादा हो जाती है खाली बर्तन ज्यादा आवाज देता है बर्तन भरा हुआ है तो जाहिर बात है डल हो जाएगी तो वहां थोथा चना खोखला चना बाजे घना उसकी आवाज जो है ज्यादा आती है तो जिनके दिलों में वो ईमान नहीं था वो बढ़ चढ़ करके अब हाँ, देखिए जी हम तो इस्लाम ले आए हम तो बगैर लड़े बड़े इस्लाम ले आए हुजूर हमारे साथ तो खुसूसी मामला होना चाहिए हमें जकआात में से खुसूसी हिस्सा मिलना चाहिए ये जो वो जितलाते थे अपने दीन को तो फरमाया तो क्या अल्लाह को अपना दीन जितला रहे हो वल्लाहु वल्ला वा समावाते वाफी लर्फ अल्लाह को तो मालूम है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वल्ला बिकुल अलीम अल्लाह तो हर चीज़ का जानने वाला है अगर हकीकी ईमान तुम्हारे दिलों में तो अल्लाह को मालूम है और जैसा ईमान तुम लाए हो अल्लाह जानता है उसको आया वाकई सिद्ध दिल के साथ है या निफाक के और धोखे के साथ है या ये कि खाली इस्लाम है जीरो लेवल है यमुनून आल का असलमू ए नबी यह आप पर एहसान धर रहे हैं कि हम इस्लाम ले आए देखिये जी हमने तो इताब कबूल कर ली आपने कुरैश से तो इतनी जंगे की हैं फला से तो इतनी जंगे की हैं आपके साथ ही इतने शहीद भी हुए हमने तो जंग नहीं की हम ऐसे ही मान ले आए हैं तो गोया के एहसान है हमारा यमुनू मन्ना यमुन्न एहसान धरना यमुनू नले का नस्लम तमन्नुआ इस्लाम तुम कह दीजिए मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत धरो बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान धरता है कि तुम्हें इस्लाम का रास्ता दिखा दिया है तुम इस्लाम में आ गए हो तो ईमान का रास्ता तुम्हें दिखा दिया है अब अमल करते रहोगे तो ईमान पैदा हो जाएगा ये जो मैंने अर्ज किया था कि यह कैफियत इस्बातुल इस्लाम बगैर ईमान यह मुस्तकिल नहीं है यह आर्जी है जब अमल करेंगे तो ईमान पैदा हो जाएगा बल्लाम लिल ईमान तुम सादी बल्कि अल्लाह का एहसान मानो कि उसने तुम्हें इस्लाम के रास्ते पर लाकर गोया के उस सड़क पर डाल दिया है जो ईमान की तरफ ले जा रही है अगर तुम इस्लाम के बारे में भी सच्चे हो यानी वो लोग निकल जाएंगे जो धोखा देने के लिए ईमान ला रहे थे इन अल्लाह जानता है हर पोशीदा चीज को जो आसमानों की है और जमीन की है और यह गैब का लफ्ज हमारी नस्बत से है नोट कर लीजिए इसे अल्लाह के लिए कोई गैब नहीं है सिरे से कोई गैब हर शे उसके लिए शबूद है हर शे हर आन उसकी निगाहों के सामने कोई शे उसके लिए गैब नहीं है यह टर्म है जो हमारे लिए गैब है वल्ला बसीमता और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है अच्छा अब फिर पहली दो आयात की तरफ आ जाइए इस्लाम ईमान अलीहदा चीज है ईमान की तारीफ यकीन कल दिल में और जिहाद जिहादी सभी अमल में गोया कि इनमें से कोई एक चीज भी नहीं है तो फिर मोमिन नहीं हो तुम दिल में यकीन नहीं तो मोमिन नहीं अमल में जिहाद नहीं तो मोमिन नहीं अब इसी को दूसरे मकाम से जो मैंने आयत पढ़ी थी सुरह सफ की आयत नंबर दस ग्यारह तजारत इन तुंजी कुमिन इमाम क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं उस तिजारत की जो तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचा दे निजात दे दे सवाल यह अंदाज ये कुरान का भी अंदाज है हजूर का भी अंदाज था पहले सवाल किया जाए ताकि अजहान सोचने की तरफ आमादा हो जाए तैयार हो जाए जब आगे क्या बात आ रही है हुजूर भी सवाल किया करते थे अतदरुन मनिल मुफलिस तुम जानते हो मुफलिस किसे कहते अक्सर व बेष्टर सहाबा का जवाब होता था अल्लाह रसूल अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं फिर हुजूर दोबारा पूछते थे तो अपनी अपनी समझ के मुताबिक जवाब देते थे अलमुफलिस इंदना माला दिरहम दीनारा। दिरहमल हम मुस्लिम उसी को समझते हैं जिसके पास ना न दरहम न दिनारे फरमाया नहीं मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत में हाजिर होगा तो नमाजों की भी बहुत बड़ी गठरी लेकर आएगा रोज़े भी होंगे उमरे भी होंगे हज भी होंगे नेकियों की बहुत बड़ी बड़ी गांठे साथ होंगी लेकिन हुकूकआबाद में उसने कोताही की होगी अकल माल हाजा इस शख्स का माल हड़प कर लिया होगा गलत तरीके से बहनों का हिस्सा विरासत में खा लिया होगा किसी पर तोमत लगाई होगी किसी की कीमत की होगी और वो सारे दावेदार जमा हो जाए अल्लाह ने मेरे साथ ये किया अहलाश ने मेरे साथ ये किया तो उसकी नेकियां सब दे दी जाएंगी अच्छा भाई वहां कोई और करेंसी तो है नहीं क्या इतने हजार जुर्माना या इतना लाख जुर्माना अच्छा तुम इसकी नमाजे ले जाओ तुम इसके रोजे ले जाओ तुम इसके हज और उभरे ले जाओ खाली हो गया और दावेदार अब भी बाकी हैं तो उनके गुनाह अब इनके हिसाब में पड़ने शुरू होंगे और वो उनके गुनाहों के बोझ तले दबकर जहन में झोंक दिया जाए ये मुफलिस है ये अंदाज था ये कुरान का भी अंदाज है और यही हुजूर का अंदाज था याजीना बनू हल अदुल्ल कुमार तुंजी कुमिन अजाबिन अलीम ऐमान वालो ऐमान के दावेदारो या वो लोगों जो ईमान कानूनी हासिल कर चुके हो या वो मुसलमानों जिनकी रसाई अभी तक हकीकी ईमान तक नहीं हुई या यू यादुल्लु माला तजारत इन तुंजीकुम नजाब दलीम क्या मैं बताऊं तुम्हें वो तजारत वो कारोबार जिसका नफा क्या होगा कि जहन से छुटकारा पा जाओ अब यहां एक मिनट रुक कर तो नजम कलाम के एतबार से एक नतीजा सामने ले आइए अगर वो तिजारत नहीं करोगे तो जहन्नम से निजात की उम्मीद ये तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है तुम्हारी आरजुए हैं तिलका मानी योम ये उनकी ख्वाहिश हैं जिन्होंने अकीदों की शक्ल इख्तियार कर ली है अल्लाह का कलाम है कि इसमें कोई शह जो है महज शायराना लफाजी के लिए या शायराना मुबालगे के लिए तो नहीं है ना ंजी मानी का तलिस मुझको समझियो जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे तो कुरान में जो लफ्ज आ रहा है वो हर लफ्ज अपनी जगह पर मानी का खजाना है मिन नलीम अब सुनिए तो व रसूल ईमान अल्लाह पर और उसके रसूल पर जैसा कि ईमान लाने का हक है बात वही हो गई ना वो तो पहला तुम्हारा कानूनी ईमान था असल ईमान कुछ और है इसी को सूर न फरमायाबुल ईमान के दावेदारो ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाने का हक है अल्लाह पर भी और उसके रसूल पर भी और उस किताब पर भी जो अपने रसूल पर उसने नाजिल फरमाई और उस किताब पर भी जो पहले नाजिल की थी मनु ना व रसूल सबी बेम विक वही आयत नंबर पंद्रह बन गई कि नहीं सुरह हुजरात की ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर या ईमान रखो अल्लाह पर उसके रसूल पर जैसे कि ईमान का हक है और जिहाद करो अल्लाह के राम में अपनी जानों और बालों के साथ तो कुम 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 तुम यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो अगर चे बज़ाहिर तो घाटे का सौदा दुनिया अल्ला के अल्लाह की राह में जिहाद करना जान का अंदेशा के ताल के लिए निकलना जान का जो अगर बच के आ गए तो एक दई जिंदगी समझिए वरना इंसान मैदान जंग में जाता है तो, तो जान हथेरी पर रख कर जाता माल मांगा जा रहा है अल्लाह के राह में माल देकर दुनिया में तो बहरहाल दौलत की कमी का एहसास होता है ना अगर तुम्हें घाटे का सौदा नजर आता है, हकीकत में यही नफे का सौदा है अगर तुम्हारे पास इल्म हकीकी है अब इन दो मकाम से जो नतीजा मैंने निकाला देर कैन बी नो ईमान विदाउट जिहाद फीस अभी देर कैन बी नो सेलिब्रेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट विदाउट जिहाद फीस अभी किस कदर अहम है जिहाद जिहादी सब्ला को अब समझना उसके तकाजों को जानना उसकी शराइत का फहम हासिल करना इस जिबन में जो दुनिया में आज गलत फहमियां फैली हुई हैं और जबरदस्ती फैलाई भी जा रही हैं जानबूझकर, उसका असल सबब हम खुद हैं हमारी बहुत बड़ी गलती हुई बहुत बड़ी गलती हुई बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने जिहाद और कताल को हम मानी करार दे दिया यह भी जोड़ा वही है आम और खास लेकिन जिहाद और कताल यह हम मानी नहीं है सिनोनिमस नहीं है इसीलिए मैंने सूरह सफी की आयत नंबर चार भी आपको सुनाई अब यह इस एतबार से जिहाद और कताल फीस पर कुरान मजीद की जामे तरीन सूरत है कुल चौदह आयतें इसमें जिहाद फी सबल्ला का जिक्र भी है यह आयत नंबर ग्यारह के अंदर और आयत नंबर चार में कताल फीस का हुक्म भी है महबूब तो वो बंदे हैं उसके जो उसकी राह में जंग करते हैं सफ़े मांग कर गोया की शीशा पिलाई हुई दीवार है ताल फीस अभी जिहादी फी सभी दो इशलाहत हैं उनका मफहम बिल्कुल एक तो नहीं हो सकता हमारे यहां इन दोनों को मुतरादिफ करार दे दिया उसके नतज क्या निकले निकलेता हर वक्त तो होता ही नहीं लिहाजा उसकी अहमियत ही नहीं रही वो जो बैक बर्नर की जगह होती है वहां रख दिया गया बास लोगों ने एक और गलती की उसके बरक्स जिहाद की अहमियत के पेश उन्होंने उसे अरकान इस्लाम में दाखिल कर दिया यह बहुत बड़ी जसारत है इसलिए मुत्तफन अल हदीस हजरत अब्दुल्ला उमर से मैं सुना चुका हूं पांच अरकान इस्लाम के और हदीस जिब्राइल में इस्लाम की डेफिनेशन वही पांच चीजें छठी चीज दाखिल करने का किसी को हक नहीं अरकान इस्लाम में जिहाद फीस शामिल है अरकान ईमान में शामिल है न बी नो ईमान विदाउट जिहादी सब्ला देर कैन बी नो सेलेशन निजात का कोई इम्कान नहीं है अगर जिहाद फीस अब्ला नहीं हमने मुतरिफ बना कर एक तरफ तो सेकेंडरी हैसियत दे दी उसको और इससे सितम वाला मुसलमान जंग जंग करे वो जिहाद फीस अभी है मुसलमान बादशाह है जानी है शराबी है बदमाश है अयाश है और वो सिर्फ किसी अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला कर रहा है ताकि उसकी रेवेन्यूज़ बढ़ जाए उसकी आमदनी बढ़ जाए उसकी अयाशियों का में इजाफा हो जाए वो और ज्यादा बड़े महल बनाए तो उसकी जंग जिहादी सभी लाला होगी हमने बदनाम किया जिहादी सभी ला अब गैर मुस्लिम तो ये सब कुछ देखते ना ये जिहाद किसे कहते हैं उसी के एतबार से फिर मफूब उनके सामने आता ये मुगालता हमने डाला उसके नतज आज हम भुगत रहे हैं अब समझिए मुस्बत तौर पर जिहाद फी सब्ला है क्या उसके मराहल क्या है एक नाइन स्टोरीज बिल्डिंग का आप तस्वर करेंगे जिसकी इस नवी मंजिल पर जाकर कताल आएगा उससे पहले नहीं लेकिन उससे भी पहले लफ्ज़ी मानी क्या है जिहाद क्या जिहाद का लफ्ज बना जोहद से जोहद के मानी कोशिश जिद्दो जोहद उर्दू में आम बोलते हैं और आज के उनवान में भी जिद्दो जोहद ही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लेकिन जैसा कि मैंने कहा था मुख्तलिफ अफवाब में आने से मानी बदलते जिहाद या मुजाहदा, मुजाह जोहदरफा है कोशिश किसी काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं टू तो एग्जर्ट योर सेल्फ फॉर समथिंग सम ऑब्जेक्टिव लेकिन जिहाद या मुजाहिदा बनेगा जबकि दो अफराद एक दूसरे के मुकाबले में आकर कोशिश कर रहे हैं रस्साकशी हो रही है लिहाजा कोशिश और कशाकश इसमें जो फर्क है रस्साकशी एक टीम इधर है एक उधर है वो रस्से को इधर खींच रही है वो इधर खींच रही है तो ये दो तरफ अमल है जिहाद या मुजाह इसी तरीके से कत्ल और मुकातला या किताल कोई सा जा रहा था आपने शूट कर दिया यह कत्ल है ये अमल है दो फौजें आपने सामने हैं ये उनको कत्ल करना चाहते हैं वो उनको कत्ल करना चाहते हैं ये किताल है ये जंग है या मुकातला है दोनों मस्तर हैं ये जोहद कोशिश अच्छा अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे टू स्ट्राइव फॉर समथिंग किसी चीज के लिए कोशिश करना और जिहाद क्या होगा टू स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग वो अगेंस्ट होगा स्ट्रगल मेहनत इस फर्क को जेन में रखिए जोहद कोशिश टू स्ट्राइव कोशिश करना जिहाद कशाकश खेचतान यहां जोहद जोहद के मुकाबले में आ जाए वो उसको नाकाम करने की कोशिश करे ये इसको नाकाम करने की कोशिश करे एक वैकेंसी डिक्लेयर हुई है अब आप पूरा जोर लगा रहे हैं जो सिफारिश हो सके जो कुछ हो सके किसी तरीके से मुझे मिले एक और भी जोर लगा रहा है यह आपका जिहाद हो रहा है और कत्ल एक तरफा अमल है कताल जंग है दो तरफा है। अब देखिए ये जो जिहाद है ये इस कायनाथ की सबसे बड़ी हकीकत है एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम ऑन दिस प्लेनेट इज कॉन्टिन्यूअसली इन जिहाद आप खुद कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मुकाबला नहीं होता उसमें कारोबार में मुकाबला हो रहा है मुलाजमतों में मुकाबला हो रहा है मुकाबलों के इम्तिहान हो रहे हैं मानाथ में छोटे छोटे से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसे जिहाद जिंदगानी कहेंगे आप creator, जिहाद जिंदगी एवरी लिविंग क्रिएचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एंगेज इन कंटिन्यूअस जिहाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसको जिहाद जिंदगानी का लफ्ज दिया इकबाल ने यकीम होकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर अच्छा मुसलमान भी जब ये काम करता है बका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अगर वो शरीयत के अहकाम के मुताबिक कर रहा है तो यह इबादत है अगर हराम जरिए इस्तेमाल कर रहा है गलत जरिए इस्तेमाल कर रहा है धोखा दे रहा है झूठी कस्में खा रहा है तो यह हराम के दर्जे में चला गया और अगर आप अपनी इस जोदे बका को जिहादे वजूद को जिहाद जिंदगानी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक कर रहे हैं यह इबादत है तो फरमाया वो हबीबुल्ला जो शख्स मेहनत करके कमाता है वो अल्लाह का साथी अल्लाह का दोस्त है हबीबुल्ला और सबसे बेहतरीन खाना बताया वो है रिस्क जो अपने हाथ की कमाई से हो मेहनत मुशक्कत बहरहाल ये जिहाद का एक आगाज है मैंने कहा था ये यूनिवर्सल फिनोमिन है यूनिवर्सल इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यही है उससे ऊपर उठिए इंसानी सतह पर सबसे बड़ा जिहाद अपने हुकूक का हुसूल द फ्रीडम स्ट्रगल द स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन कोई कौम आकर आप पर हाकिम हो गई उससे निजात हासिल कर लो ये जिहाद जिहाद फी सबील हुर्रियत फी सबील किसे कहते हैं फॉर दी कॉज ऑफ इन द कॉज ऑफ जिहाद फी सबील हुर्रियत जायज है सब करेंगे सबकी आजादी हक है किसी को गुलाम बनाकर रखने का किसी को इख्तियार नहीं है तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिन और मुसलमान भी अगर करेगा और अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर करेगा तो वो भी अल्लाह के हां वो अजर सवाब का मुस्तक होगा बल्कि अगर जान दे देगा शहीद शुमार होगा इसलिए कि हुजूर की एक हदीस है मन कोतेला दूना माल ही फा हुआ जो शख्स अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो भी शहीद है अब आप कहीं जा रहे थे आपके पास कुछ माल है जेब में कुछ है कोई डाकू आ गए आपको घेर ली अब आपके पास दो रास्ते एक तो आपके लो भाई जो कुछ है ये हाजिर है ले लो मेरी जान बख्शी करो और एक ये कि आप डट जाएं। इस डट जाने में अगर जान चली गई तो आप शहीद हैं मैं कोतला दूना माले ही तो माल से तो हजार गुना बड़ी शह है हुर्रियत फी सबीलिल हुर्रियत लेकिन हमने क्या गलती की फ्रीडम स्ट्रगल को भी जहाद फी सबी कह दिया बहुत बड़ी गलती जिसका सबसे बड़ा मजब मैं आपको बताता हूं ये मिड फिफ्टीज की बात है मैं अपने एम बी बी एस से फारिग होकर मनगुमरी में जो अब साहिवाल कहलाता जाकर आबाद हो गया था के पास अलजायर में उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी फ्रांस के खिलाफ तो उसके लिए कुछ फंड हासिल करने के लिए एक वफद आया पाकिस्तान के दौरे पर एक तो कर्नल साहब थे कर्नल औदा वो तो दाढ़ी मूछ साफ थे जैसे होते आमतौर तो पर फौजी लेकिन एक बहुत बड़े आलिम दीन अलामा बशीर उलब्राहिमी अलजायरी बहुत मशहूर बहुत बड़े आलिम वो भी साथ थे उन्होंने जो तकरीर की अरबी में जिहाद जिहाद्फी सभी जिहादी सभी वाक ये कि वजद में आ गया पूरा मजमा वो लोग तो वजद में नहीं आ सके होंगे जिन्होंने तर्जुमा जिन्होंने सुना लेकिन मैं अरबी से वाकिफ था तो मैं वाक्य था वजद में आ गया का बयान हदीस के बयान जिहाद फीसल्ला की अहमियत जिहाद फी का मकाम और मकामान अच्छा जो भी हो सका पैसे हमने जमा किए कमेटी बनाई थैली पेश की नाउ प्रिपेयर फॉर दॉक जब यह जिहाद कामयाब हुआ तो एक सोशलिस्ट रियासत कायम हो गई हाउ कम अगर यह जिहाद फी सभी था तो इस्लामी रियासत कायम होनी चाहिए थी अगर दरख्त आम का था तो उसमें निमोली कैसे लग गई मालूम हुआ कि हमने गलती की थी हमने उसे जिहादे जिहाद हुर्रियत की बजाय जिहादी सबील्ला कह दिया भाई जिहाद हुर्रियत जायज है और उसके लिए जान देना भी शहादत है लेकिन आपने उसको जिहाद फी सबीला कैसे कह दिया चुनाच ये नोट कर लीजिए कि मैंने जब अफगानिस्तान में रूसी फौजें दाखिल हो गई तो जो वहां पर एक स्ट्रगल शुरू हुई है रेजिस्टेंस शुरू हुई है मैंने उसे कभी जिहाद फी सभी नहीं माना जहाद फी सभी का नारा लगवाकर अमरीका ने फायदा उठाया मरे अफगान और काम बन गया उसका उसका आर्क राइवल जो है वो खत्म हो गया और नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है कि बाईपोलर की बजाय यूनिपोलर दुनिया हो गई और वो जो एक पोल है जितना ताकत के नशे में इस वक्त चूर चूर है वो आपको मालूम है मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं मैंने कहा था जिहादे हुर्रियत है जायज है टू तो डिफेंड योर कंट्री अगेंस्ट एन इन्वेडर लेकिन इसे जिहादे फीस अभी न कहे अच्छा इससे आगे आइए अब ह्यूमन लेवल पर इससे ऊपर का एक किस्ता है नजरिए और निजाम के लिए जिहाद एक नजरिया था मार्क्सिज्म उसके बुना पर निजाम जो बना वो कॉम्युनिज्म हु रियली बिलीव इन मार्क्सिज्म एंड कॉम्युनिज्म स्ट्रगल्ड टू एस्टैब्लिश एन कॉम्युनिस्ट स्टेट ये जिहाद है फीसबील इश्तराकिया इश्तराकीत की राह में जिहाद कर रहे हैं जाने दे रहे हैं मर रहे हैं जार की फौजें जो है वो शूट कर रही है खड़े होकर के कतारों के अंदर जाने दे रहे हैं इसके बगैर तो जाहिर बात है शहनशाहीत जार की शहनशाहीत कहीं जगह छोड़ सकती थी कहीं अपनी जड़ छोड़ सकती थी तो ये जो जिहाद है यह है एक नजरिए की बुनियाद पर उस नजरिए पर एक निजाम कायम होता जिस नजरिए में वो बिलीव करते हैं कि यही हक है यही इंसान के लिए बेहतर है इसी में आदल है इसी में इंसाफ है उसको कायम करने की जिद्दोजहद करना उन पर फर्श है नहीं करते तो आप कहेंगे ऐसे झूठ मूठ को बना फिरता कम्युनिस्ट इसकी तो सारी दोस्तियां इसके सारे ताल्लुक जो है वो तो कैपिटलिस्ट के साथ है तो उनके तलखाए लेता तो आप कहते हैं कि नहीं कहते है? ये है जिहाद अगर वो नजरिया ईमान है और निजाम इस्लाम है इसके लिए जो जिहाद होगा वो जिहाद फी सभी है किसी और मकसद के लिए ये जिहाद को आप जिहाद फी सभी नहीं कह सकते आप डेमोक्रेसी के क्याम के लिए किसी बादशाहत के को खत्म करके डेमोक्रेसी का निजाम कायम करना चाहते हैं जिहाद है जिहादीलीमकर जिहाद फॉर दॉ ऑफ डेमोक्रेसी जिहादार दॉ ऑफ इश्तराकी इसी मानी में कुरान मुशरकन मक्का को भी मुजाहिद करार देता था वो थे मुजाहिदीन फी सबीली शिर जाने नहीं दे रहे थे क्या कुर्बानियां नहीं दे रहे थे वो अपने अकीदे के लिए अपने नजरिए के लिए अपने निजाम के लिए वो जाने दे रहे थे तो ये है जिहाद नजरिए और निजाम के लिए फिर मैं तीसरी मर्तबा दोहरा रहा हूं अगर वो नजरिया ईमान है और निजाम इस्लाम का है कायम करना पेशे नजर है तो वो है जिहादी सब्ला अब इसके तीन लेवल्स हैं और हर लेवल पर तीन तीन सब लेवल्स हैं सबसे पहला जिहाद फी सभी का मरहला है कि ईमान दिल में आ गया तो एक कशाकश अंदर शुरू हो जाएगी मैं अगर फ्राइड की इस तरह इस्तेमाल करूं तो ईगो और इड या लिबिडो में तसादुम होगा आपके नफ्स की ख्वाहिश कुछ और है ईमान कहता है गलत कशाकश होगी कि नहीं ये अंदरूनी जिहाद है अपने नफ्स के खिलाफ जैसे फिरौन ने कहा था अलहसली मुल्को मिस्र वह आज अल्हार और तदरीम इंतहाती क्या मैं बादशाह नहीं हूं मिस्र का मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है और क्या ये सारी नहरें जो है मेरे निजाम के तहत नहीं चल रही इसी तरह बुरा ना मानिए हमारा नफ्स कहता है यह जिस्म मेरा है मेरी मिल्कियत है डोमेन मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी जैसे उसने कहा मैं नहीं जानता कोई खुदा है मेरे सिवा और मेरे ऊपर मैं नहीं मानता नस भी कहता मैं नहीं मानने को तैयार क्या हलाल है क्या हराम है क्या जायज है क्या ना जाए मेरी ख्वाहिश पूरी करो इसके खिलाफ जिहाद ये पहली मंजिल का जिहाद है और आपको मालूम है तीन मंजिला इमारत है तो बलंद तरीन तो है तीसरी मंजिल अहम तरीन है पहली मंजिल पहली मंजिल बनेगी तो दूसरी बनेगी दूसरी होगी तो तीसरी बनेगी ना पहली मंजिल ये है और अहम तरीन ये है इसीलिए मौलाना रूम ने कहा नफ माँ हम कम तरह फिर नीस्त मेरा नफ भी फिरोन से कम नहीं है लेकिन उरा ओन ईरा ओन नीस्त उसके पास लाओ लश्कर था उसने जबान से भी कह दिया था आना रब्बु को मुला मैं हूं खुदा मेरा नस बेचारा इसके पास कोई लाओ लश्कर नहीं जबान से तो ये कुछ नहीं कहता अंदर यही कहता मैं बादशाह हूं इस वजूद का मेरी मर्जी पूरी हो तो स्ट्रगल अगेंस्ट दिस बेसर सेल्फ एक सेल्फ है ऊंची सेल्फ खुद ही अना ईगो और एक है ये बेसर सेल्फ यमानी जबिल्लते जो अल्धी बहरी हैं जो हलाल और राम से उन्हें कोई गरज नहीं है उनके खिलाफ जिहाद करना आपने फरमाया सलमुजाहिदाह अल्म। नफ्स असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर सके तुम्हारे अंदर ये दुश्मन तो बैठा हुआ है तकड़ा है तुम्हें कंट्रोल कर रहा चले हो बाहर के दुश्मनों से जिहाद करने के लिए तुमने तांगे को घोड़े के आगे बांध दिया और एक दफा हुजूर से पूछा गया अयुल जिहाद हो या रसूल अल्लाह के रसूल सबसे अफजल जिहाद कौन सा फरमाया अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो उसे अल्लाह का मुती करो ये जो अंदर की कशमकश है कशाकश है ये जिहादी सबील अल्लाह का नुक्ता आगाज अल्लाह का मुती बनाना है नफ्स को इसके साथ दो सब लेवल और हैं इस नफ्स को भड़काने वाली एक कुवत है इनविजिबल और विजिबल भी है इनविजिबल कुत सबसे बड़ी इबलीस इबली, शैतान लड़ीम और उसके चेले चाटे जिन्नात में से और विजिबल में इंसानों में जो उसके एजेंट हैं जो फहाशी को कल्चर का नाम दे ये उस इब्लिस के चेले हैं इनके खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे आप अगर आप इनके खिलाफ एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार नहीं करेंगे तो आप इनके दबाव में आ जाएंगे इन्दर शैतान अलकुम अदूवन तु अदूआ लोगो ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है उसको अपना दुश्मन समझो वो तुम्हें सब्ज बाग दिखाता है बदी को मुजयन करके दिखाता है अच्छे अच्छे नाम उसके रख देता है और तुम्हें आमादा करता है बदी के इतकब पर नहीं वो तुम्हारा दुश्मन है अफतक तखिजू नौलिया बिंदु नहीं तुम मुझे छोड़कर उसे और उसके चेले चांटों को तुम अपना दोस्त बनाते हो नहीं शैतान के खिलाफ जंग करो और तीसरा इस पर सब लेवल क्या है माशरा अगर बिगड़ा हुआ है उसका अमूमी रुझान बुराई की तरफ है तो सोशल प्रेशर्स आपको उधर धकेलते हैं जैसे कि अगर कोई मॉब जा रहा है तो उसके साथ चलना तो बहुत आसान है वो खुद ही आपको धकेलता हुआ ले जाएगा उसके खिलाफ चलना बहुत मुश्किल काम हो सकता है आप बड़ी जोर लगा के चार कदम आगे बढ़े फिर को रेला आए दस कदम पीछे ले जाए तब दो ही रास्ते हैं जमाना बात साजत तो बात जमाना बेसाज या तो पैसिव मामला है जमाना तुम्हारे साथ साजगारी नहीं करता छोड़ो तुम जमाने के साथ साजगारी इख्तियार कर लो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की एक ये नहीं जमाना बात जमाना सतेस जमाना अगर तुम्हारे साथ साजगारी नहीं कर रहा तो जमाने से जंग करो लड़ो रिजिस्ट करो तो तीन जिहाद हो गए फर्स्ट लेवल के थ्री सब लेवल्स नफसे अमारा इड लिबिडो नफ्स हैवानी के खिलाफ जिहाद उसको भड़काने वाले बस अंदाजी करने वाले उसमें फूके मारने वाले शैतान और उसकी ज़रूरियत, मानवी और जरूरीत नस्ली जिन्नात और इंसानों में जो उसके एजेंट हैं उनके खिलाफ जिहाद माशरे के खिलाफ स्ट्रगल अब ये तीन जिहाद आपने कर लिए अल्लाह तौफीक दे हम में से हर एक को तो अब ये जहाद आपके जिस्म से बाहर निकलेगा खारिज में आएगा दूसरी मंजिल है नजरियाती तसादुम। अगर आपने ईमान का नजरिया इख्तियार किया है तो इलाहाद का नजरिया रखने वाले भी मौजूद हैं आपने तोहीद के नजरिए को अख्तियार किया है तो मुश्तिकाना कायद रखने वाले भी मौजूद हैं दे आर बाउंड टू रिजिस्ट इसके खिलाफ जिहाद करना होगा मेहनत करनी होगी अपनी बात को दलाइल से साबित करना होगा अपनी बात को अच्छे अंदाज में उसलूब से लोगों के दिलों तक पहुंचाना होगा जाहिर बात है वक्त लगेगा जान खपेगी और अगर आप आपतहाई सिंसियर हैं, ये आपका एक लाइफ लॉन्ग और होल टाइम जो है आपकी एंगेजमेंट होगी एंड टाइम इज मनी जिहाद जिहाद बिल माल, बिल जिहाद्स यह है दावत व तबलीग कहले उसे अपने नजरियात को फैलाना कह ले आखिर मार्क्सिस ने अपने नजरियात को फैलाया पहले प्योर फिलोसफी की सतह पर टॉप इंटेलेक्चुअल्स को दुनिया के उन्हें पोजेस किया उसके बाद अदब के जरिए से ड्रामों के जरिए से शायरी के जरिए से अफसानों के जरिए से वो फिक्र जो था तबकाती शूर क्लास कॉन्शसनेस का शूर पैदा किया और होते होते यहां तक कि रेडी वाले के जबान पर भी लफ्ज आ गया ओ इतना सकील अरबी लफ्ज इस्तेहसाल कर रहे हैं ये ये सारा काम यूं ही तो नहीं हो गए कितने अदीबों ने कितने ड्रामा नवीसों ने कितने शायरों ने इस फलसफे को फैलाया होगा अच्छा इसके भी तीन सब लेवल्स हैं हर इंसानी माशरा तीन सतह के लोगों पर मुश्तमिल है एक इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी होती है इंटेलिजेंसिया होता है या जिसे एक और इस तरह में कहते हैं ब्रेन ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी। दे कंट्रोल डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन ऑफ दोसाइटी होते हैं माइनॉरिटी माइन्यूट माइनॉरिटी लेकिन उनका और पूरी कौम का जो बाहमी रिश्ता है वो क्या है जैसे ये दिमाग और पूरा जिस्म। मेरी टांगें मुझे लेकर चल सकती हैं दौड़ सकती हैं अगर चाहे अब मैं दौड़ नहीं सकता घुटनों के ऑपरेशन के बाद लेकिन बाहर दौड़ा भी करता था लेकिन किधर जाना है इसका फैसला यहां होता है ये सलाहियत टांगों में नहीं है आ, यहां से फैसला हो दौड़ो दौड़ेंगे हाथ पकड़ सकता है किसी चीज को किसको पकड़े किसको ना पकड़े हो सकता है कि आपने हाथ बढ़ा भी दिया हो किसी को लकड़ी सूखी समझकर आप जो है जंगल के अंदर से ईंधन जमा कर रहे हैं अचानक आखिर देखा वो तो हरकत कर रही है फौरन इतला गई अरे ये तो सांप मालूम होता है यहां से हुक्म आया हाथ खेच लो फौरन खींच लिए तो कंट्रोल तो ये कर रहा है ना मासिस किसी माशरे की ना डायरेक्शन मुन कर सकते हैं ना उसकी डेस्टिनेशन का फैसला कर सकते हैं ये उसका इंटेलिजेंसिया है ये उसका ब्रेन ट्रस्ट है ये उसका इंटेलेक्चुअल एलिट है लिहाजा इस नजरियाती तसादुम में भी प्रायरिटी नंबर वन वो तबका है अगर वो आपके नजरियात के कायल नहीं होंगे हामिल नहीं होंगे देर कैन बी नो कलेक्टिव चेंज इन दिस सोसाइटी अफराध कुछ मिल जाएंगे आपको अफराध के अंदर होते हैं जो कबूल कर लेते हैं बस लेकिन लाशरा उनके कंट्रोल में और इस सतह के लोगों को दावत देना तबलीग करना आसान काम नहीं आपको दलील से बात करनी होगी आपको उनके नजरियात का तजिया करना होगा इसमें कितना हिस्सा गलत है कितना सही है इनके दिमागों में मार्क्सिज्म घुसा हुआ है इनके दिमागों में फ्राइडिज्म घुसा हुआ है इनके दिमागों में डार्विनिज्म घुसा हुआ है इनके दिमागों में लॉजिकल पॉजिटिविज्म घुसा हुआ है हाँ कुछ लोग रहे हैं आइडियलिस्ट भी एक हिंदुस्तान में मुसलमान पैदा हुआ आइडियलिस्ट फलसफी अलामा इकबाल और दूसरे हिंदू कृष्ण बहुत बड़े आइडियलिस्ट इसमें कोई शक नहीं और उनको अल्लाह ने लंबी उम्र भी दी तो उन्होंने जो तसानी फलसफे पर लिखी लामा इकबाल नहीं लिख पाए तो ये जो तबका है ये आम वाजो नसीहत से असर कबूल नहीं करता बिकॉज अ बैरियर इन देयर माइंड इन देयर ब्रेन यू हैव टू पियर थ्रू दैट बैरियर एंड ओनली देन यू कैन अप्रोच देयर हार्ट उनके दिलों तक रसाई नहीं हो सकती बरत जब तक यह खौल जो है यह नजरियाती खौल इसको पियर्स न किया जाए और उसको पियस करना आसान नहीं है कुछ जहीन नौजवान फतीम नौजवान आला सलाहियतों वाले नौजवान अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ करें कि एक तरफ इन जदीद अलूम और नजरियात को गहराई में उतर कर पढ़ना है और समझना है जब तक आप उन नजरियात को जानेंगे नहीं नफ़ी कैसे करेंगे आप कैसे आज तज्जिया करेंगे कि इसमें यह हिस्सा सही है यह हिस्सा गलत है और दूसरी तरफ कुरान की गहराई में गोताजनी करनी है ताकि हिदायत जो अल्लाह की आई हुई है उसको आप अच्छी तरह समझें और फिर उस नूर की रोशनी में फिर आप लोगों को उन चीजों के खिलाफ मुतनबे करें कि इसमें यह गलती है इसमें यह गलती है इकोनॉमिक्स की यह थ्योरी गलत है बातिल साबित हो चुकी है डार्विनिज्म जो है वो बायोलॉजी के मैदान में शिकस्त दिया जा चुका है लेकिन यह कि यह तो काम करना जो है इट्स ए लाइफ लॉन्ग ए फेयर अब जाहिर बात है आपके इल्म में शायद हो कि जब मार्क्स किताब लिख रहा था डिटॉल तो उसे फाके आ रहे थे उसे कुछ सपोर्ट करता था एंजल्स लेकिन यह कि कुछ अर्सा ऐसे भी हुआ है कि वो भी सपोर्ट नहीं कर सकता लेकिन फिर उसकी किताब ने दुनिया को पोजेस किया है तो उसके फलसफे ने लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है तभी तो फिर इनकलाब बर्पा हुआ इसी तरीके से जब तक के कुछ नौजवान इसे अपना पूरी जिंदगी का कैरियर नहीं बनाएंगे इसका कोई इम्कान नहीं है कि इस तबके में आप कोई डेंट भी डाल सके और अगर यह नहीं होगा तो सोसाइटी एज ए होल स्टेट एज ए होल हो, विल नेवर एक्सेप्ट एनी चेंज इससे नीचे आइए अवाम उन्नास उनके दिमाग क्लीन स्लेट की तरह है इसमें ना कोई खन्नास डार्विनिज्म का भरा हुआ है ना फ्राइडिज्म का है ना मार्क्सिज्म का है कुछ भी नहीं क्लीन स्लेट है इसको वाजो नसीहत के जरिए से ऐसी बात जो अजदिल खेजत बरदिल रेजत दिल से उठे दिल पे उतर जाए सादा तरीन जबान में भी बात करो वह तो कबूल करेंगे बस सिर्फ उसकी एक शर्त है आपका अमल भी गवाही दे रहा हो कि आप वाकई जो कह रहे हैं उस पर खुद भी अमल पैरा है यह अगर पहली मंजिल आप सर कर आए हैं तब तो ठीक है अगर पहली मंजिल आपने सर नहीं की और आप शुरू हो गए मुबलिक की हैसियत से तो ऐसा मुबलिक जो है वह इस्लाम को बदनाम करेगा उस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अवल नेक करे और कहे कि मैं भी मुसलमानों में से हूं मैं भी कोई बहुत कोई बड़ा ऊंचा आदमी नहीं हूं कोई बहुत आला तुमसे बरतर नहीं हूं कि खास लेवल पर जब इंसान दीनी एतबार से पहुंच जाता है तो अब सबसे बड़ा फितना जो लाहक उससे हो सकता है वह तकबुर का है दूसरों को बन इसक देखना अगर यह नहीं है सिंसेरिटी के साथ अपने मुखातब की खैर खाही उसके साथ आप बात कर रहे हैं तो यह है मोज हसना यह मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं यह सूरह नहल की आयत उदोला रब्बे का हिकमा यह टॉप लेवल के ऊपर हिकमत से दानिशी से और हिकमत किसे कहते हैं अक्ल का सफर फितरत की रहनुमाई में उसका नतीजा हमत अपने खालस का नतीजा फलसफा है फलसफे की मंजिल स्कैप्टिसिज्म है या एग्नोस्टिसम है लादरियत है या इर्तियाबियत है सुमलम सुबलताबू आज हमने पढ़ा है वही इर्तियाबियत है थर्ड लेवल है कि हर माशरे के अंदर कुछ जिन्हें हम समझेंगे कि गुमराह कुन तबकात हैं गुमराह करने वाले उनकी तबलीली सिविल सर्विस मौजूद होती है उन्हें तनख्वाही मिलती है इसी की कि वो आपके नजरिए नफी करें और अपना नजरिया अपना अकीदा फैलाए ये लोग उधार खाए बैठे होते ये समझने के मूड में कभी नहीं होते इनका तो अंदाज मुनाजराना होता बस समझना समझाना पेश नजर नहीं होता यू हैव टू मीट देम इन ओन एलिमेंट अगर नहीं करेंगे तो अवाम उन्नास पर बहुत बुरा असर होगा अवाम उन्नास जो है वो तो फिर जेरे असर आ जाएंगे उनके जैसे कि पादरी फेंडर आया था इंडिया में अभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत शुरू हुई थी कलकत्ते ही से अंग्रेज शुरू हुए थे कलकत्ते ही से मिशनरी वर्क शुरू हुआ था वहीं पहला प्रेस लगा था वहीं उर्दू की बाइबल छपी थी और उसने तमाम मुसलमान और नवा से मुनाजरे किए बंगाल के बिहार के यूपी के सबको हराता हुआ शिकस्त देता हुआ दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली की जाम मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने ऐलान किया मुसलमानों मैं वहां से यहां तक आ गया हूं तुम्हारा कोई आलिम मेरा मुकाबला नहीं कर सका उसकी वजह यह कि हमारे ना बाइबल पढ़ते थे ना तौरात पढ़ते थे उनका असल सब्जेक्ट था फिका इसलिए कि उन्हें सरकारी जो हुकूमत मुसलमानों की थी उसके अंदर काजी और मुफ्ती के अहदे और काजी और खतीब जाम मस्जिद के ये अहदे थे तो सिविल सर्विस के लिए जो निसाब बना हुआ था वहाँ उसमें कानून की अहमियत थी सबसे ज्यादा तो फिका पढ़ते थे वह तो लोग तैयार होकर आते थे पूरी तरह अरबी से वाकिफ है कुरान से वाकिफ है तो मुकाबला कैसे हो और अगर उस वक्त कोई शख्स मुकाबले में ना आ सकता एक तो अजीब बात नोट कीजिए कि उस वक्त इस्लाम और तौहीद का दिफा करने वाला सबसे बड़ा एक हिंदू था राजा राम मोहन राय आईना आए तस्वीस उसने किताब लिखी है जिसमें ट्रिनिटी जो ईसाइत की बुनियाद है उसकी नफी की और तोहीद का इस बात किया बहरहाल फेंडर के मुकाबले में कोई अगर ना आता तो क्या असर होता बाप पर वैसे हमें अंग्रेजों ने फतेह कर लिया हमारे अब कोई ईसाइयों ने फतेह कर ली लेकिन अल्लाह का फजल हुआ करम हुआ जिला मुजफ्फरनगर का कस्बा कैराना है मौलाना रहमतुल्ल केरानवी रहमत वो मैदान में आए उन्होंने शिकस्त फाश दी फेंडर को भाग गया हिंदुस्तान से तो ये जिदाल इसको कुरान कहता है मुनाजरा नहीं आम लफ्ज इस्तेमाल होता है मुनाजरा कुरान कहता है मुजाजला लेकिन उसके लिए भी क्या कहता है जिदाल भी करो तो खूबसूरत तरीके से गालम गलोच ना करो लोगों की तोहिन ना करो उनके झूठे मबूद हैं तो उन्हें गालियां मत दो शरीफाना अंदाज में एक बात करो ये तीन लेवल्स दावत बात है कि इस तरह के मुनाजरे के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है अगर आप उन मज़ाहिब की गहराई में नहीं उतरे हुए उनकी तारीख की जो है पूरा पसमंदर आपको मालूम नहीं उनके स्क्रिप्ट को आपने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे करेंगे मुनाजरा तो ये तीन सब लेवल्स हैं दावत तबलीर के जिहाद के जिसमें जान भी लगती है माल भी लगता है एक उद्रोला रब्बे का कबील हिकमा फॉर दी एलीट इंटेलेक्चुअल एलीट वल मदतिल हसना फॉर दी कॉमन मासिस मजादिलतीसन और जिदाल और मुजादला करो उनके साथ लेकिन बहुत उमदा तरीक से खुश उसलूबी से उसमें तहजीब होनी चाहिए शाइस्तगी होनी चाहिए अगर वो कहीं उससे नीचे गिर रहे तो मत गिरना दो लेवल्स और छह सब लेवल हो गए अब आइए इसका चोटी का जिहाद है निजाम को बदलना मार्क्सिज्म को माना है तो फर्ज है कि कम्युनिज्म नाफिज करो यह सख्त तरीन मरहला है इसलिए कि जाहिर बात है कि खला तो कहीं है नहीं कोई ना कोई निजाम तो है वो निजाम अपने आप को डिफेंड करता है वो स्टेटस को वो चाहता है उसके साथ जो प्रिविलेज क्लासेस हैं वो चाहेंगे निजाम यही रहे इसी की शाखों पर तो हमारे आशियाने बने हुए हमारे घोंसले हमारे मफादात पर जर पड़ रही है लर्ड ऑफ योर रिजिस्ट देम। ये मामला है इसमें तसादुम आता है निजाम तसादुम के बगैर नहीं बदल सकता दावत के जरिए आप सलीमुल फितरत सलीमुल अकल लोगों को खींच लेंगे लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो नहीं छोड़ेंगे उनमें से भी हो सकता है निकल आए अबू बकर सिद्दीक उन्हीं में से थे उस्मान गनी उन्हीं में से थे लेकिन निकल आते लोग निकल आते लेकिन अक्सरियत उनकी वो तो डट जाती है गॉड ऑप योर लॉन्स अपने मफादात का तहफुज करो बचाओ अपने मफादात को तो तसादुम बिकम्स इनएविटेबल 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 इस तसादुम की भी तीन स्टेजेस है वही मैंने कहा था ना तीन सब स्टेजेस, हर स्टेज पर पहली ये है जिसे पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाएगा जाहिर बात है कि कॉन्फ्लिक्ट तो इनकलाबी लोगों ने पैदा किया है ना मार्शा तो बस रहा था गुलाम अपने किस्मत पर शाकिर और साबिर थे गौरबा कहते थे हमारी तकदीर ही ये है ठीक है इसीलिए तो मार्क्स ने कहा कि ये ओपीएम ऑफ दी है दब इसने कॉन्फ्लिक्ट किसने पैदा किया जिसने कहा ये गलत है यह निदाम सही नहीं है यह डिप्रेसिव है यह एक्सप्लाइटेटिव है यह डिस्क्रिमिनेटिव है इसमें तकसीम दौलत का निजाम गलत है एक तरफ इर्तिकजे दौलत है दूसरी तरफ एहतियाज़ है भूख है मुफलिसी है कल्लाशी है जो ये कहते हैं तो गोया के एक तालाब पुरसकून था उसने पत्थर तो आपने मारा नहीं अब जो लहरें उठेंगी तो बी प्रिपेयर टू तो फेस द म्यूजिक चुनाचे मारो इनको 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 कत्ल करो इनको जेलों में ठूंस दो इनको ये करो इनको वो करो इस सारे मामले में पहली स्टेज होगी उस नजरियाती और निजाम के तसादुम में टेक ऑल प्रोसिक्यूशन विदाउट एनी रिटेलियेशन अगर आप वायलेंट हो गए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग तो जो पावर उस वक्त है मौजूद जो निजाम है उसको रिप्रजेंट करने वाली जो हुकूमत मौजूद है वो आपको क्रश करके रखते यू हैव टू बाई टाइम और उसके लिए क्या है वो तुम्हें मारे तुम जवाब ना दो वो गाली दे तुम उन्हें दुआएं दो वो पत्थर मारे तुम फूल पेश करो इतफा बिल्लती या आसन बेहतरीन अंदाज में दिफा करो इसे कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस हुजूर की सीरत में पूरे बारह बरस ये हुक्म था दिस वॉज ऑर्डर ऑफ द डे नो रिटेलिएशन वो एवर नो हैंड्स इवन इन सेल्फ डिफेंस और ये मैं आपको बता चुका हूं महात्मा गांधी ने कहा सरहदी गांधी अब्दुल गफार खां से कि मैंने ये अदम तशद जो है तशद का जवाब तशद से न देना ये मैंने सीखा है हजरत मसीह से और हजरत मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मसीह की जिंदगी पहली स्टेज ही पर तक रही आगे की वो मुहिम चली ही नहीं इसलिए कि आपको रेस्पॉन्स मिला ही नहीं कहते हैं कुल बहत्तर आदमी ईमान लाए थे उन पर और उनमें से भी बारह थे जो उनके मुखलिस साथी थे हवारी हर वक्त साथ रहते थे और उनमें से भी एक वो था जिसने गद्दारी करके गिरफ्तार कराया है उनकी अपनी रिवायत के मुताबिक उसको छोड़िए तफसील में नहीं जाने की जरूरत नहीं तो बारह उससे अगली स्टेज कैसे आती दावत वो देते रहे दावत देते रहे वास कहते रहे ये सब कुछ करते रहे सेकंड स्टेज तक रहे थर्ड स्टेज तक तो जब तक की कवत हासिल ना हो यू कैन प्रोसीड इफ देस नो रिस्पॉन्स यू कैन गो फॉरवर्ड लेकिन यह कि हुजूर की जिंदगी में अगली स्टेज आ गई साथी आए उन्हें मारे खानी पड़ी देखते हुए अंगारों पर लिटाया गया जानवरों की लाशों की तरह उनकी गर्दन के अंदर रस्सियां बांधकर उन्हें घसीटा गया गलियों के अंदर सब कुछ हुआ है बर्दाश्त किया उन्हें कत्ल भी किया गया हजरत सुमैया हजरत यासिर पहले मकतूल है मियाँ बीवी रजी अल्लाह तुम सब कुछ हुआ है बर्दाश्त करो इसमे रू इसमे रू इसमे रू सब्र करो इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकलता है उस माशरे में जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है वो साइलेंट मेजॉरिटी साइलेंट तो होती है डम्ब तो है डेफ नहीं है ब्लाइंड नहीं है वो बिलाल की चीखें तो सुन रही है ना वो देख रही है किस तरह देखते हुए अंगारों पर खबाब बिल्त को लिटाया गया है? ये जो साइलेंट मेजोरिटी होती है अब ये सोचती है ये इनके ऊपर क्यों ये तशद आ रहा है क्या बिलाल ने आपका की कोई चोरी कर ली थी कहीं खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खाकम बहन आका की बेटी की इज्जत पर हाथ डाल दिया क्या किया था जो ये आका जो है उमैया इब ये कुछ कर रहा है उसके साथ उसके बाद जब उन्हें मालूम होता कोई जुर्म नहीं है सिर्फ ये कहता अल्लाह एक है मैं और उसके साथ किसी को शरीक करने को तैयार नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है बस जुर्म है तो ये है अब इसका क्या असर पड़ता होगा उस साइलेंट मेजोरिटी पर उसका आप अंदाजा कर लीजिए उनकी हमदर्दियां अंदर ही अंदर उनके साथ हो रही है अगरचे वो गए हैं अपने लीडरों के दबाव की वजह से गजब बदल में मफतू तो पहले से हो चुके थे जो दिलों को फतह कर ले वही फाते हैं जमाना बहरहाल फर्स्ट स्टेज इज पैसिव रेजिस्टेंसर महज सेकंड जब जरा महसूस हो हमारे पास ताकत है कैन रिस्क है डायरेक्ट विद द सिस्टम, तो उस निजाम को कहीं से छेड़ा जाए दुखती रख को देखिए गांधी जी की मूवमेंट में मैं आज कर चुका हूं पहले क्या था नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन कोई जुर्म तो नहीं है हम नहीं पहनते तुम्हारे कपड़े क्या कोई कानून नहीं है लेकिन सेकेंड स्टेज क्या आई यह छेड़ना था उसको नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस हम परमात्मा के समंदर से परमात्मा का बनाया हुआ नमक लेने जा रहे हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा बट इट अमाउंटेड टू चैलेंजिंग टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया अब लाठियां पड़ी हैं जेलों में ठूसे गए हैं सब कुछ बर्दाश्त किया है खड़े रहे हैं मजबूत रहे है। तो यह स्टेज आती है जब ये समझा जाए कि हां अब ताकत है हमारे पास कैन रिस्क ए डायरेक्ट कंसंट्रेशन विद सिस्टम इसमें हजूर ने क्या किया था मदीने में जाकर आपने छ महीने लगाए थे तीन काम जिनसे कि अपनी पोजिशन कंसॉलिडेट की मदीने में कंस्ट्रक्शन ऑफ दॉस्क वो मरकस बन गया वही हुकूमत वही दार शूरा वही तस्की की जगह वही नमाज की जगह सब कुछ वही था दूसरे एक अंसारी एक मुहाजिर भाई भाई ताकि ये दो फैक्शन अलग न रहे इंटीग्रेट हो जाए और एक जो तीन कबीले यहूद के मौजूद थे उनको जकड़ लिया एक मिसाक में मुहिदे में मिसाक मदीना ज्वाइंट डिफेंस ऑफ मदीना पैक्ट फॉर द द्वाइंट डिफेंस ऑफ मदीना अगर मदीना में बाहर से हमला हुआ तो हम सब मिलकर एक उम्मत की हैसियत है से दिफाक करेंगे उसके बाद आपने छोटे छोटे छापा मार दस्ते भेजने शुरू कर दिए उनकी जो लाइफ लाइन थी मैंने बताया था कि उनके कैरेवान्स को कोई टोकता नहीं था रोकता नहीं था लूटता नहीं था अब थ्रेटन किया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया के इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का था और जब भी यहां कहीं गए आप वहां के लोकल कबीले से आपने सुना कर ली मदा कर लिया या तो वो पहले कुरैश के हलीफ थे अब हुजूर के हलीफ हो गए या उन्होंने कहा कि साहब हम ना आपके साथ ना उनके साथ न्यूट्रल रहेंगे ना आपके खिलाफ उनकी मदद करेंगे ना उनके खिलाफ आपकी मदद करेंगे इन दोनों का नतीजा यह हुआ कि जोन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ कुरैश स्टार्टेड डिमिनिशिंग ये दो रीजन थी कि फिर पूरी ताकत के साथ कुरैश ने रिटेलिएट किया है और फिर लास्ट मामला शुरू हुआ है तीसरी मंजिल इस तीसरी मंजिल की तीसरा सब लेवल इसका नाम है फी अब जंग शुरू ए सिक्स लॉन्ग वॉर ये जो बदर है ओहद है आजाब है मुस्तलक है बेशुमार गजवात छोटे छोटे वो बड़े बड़ों के नाम हमें याद है सिर्फ इट वॉज ए कंटिन्यूस वॉर विद बैटल्स बदर बैटल है जंग नहीं है जंग तो मुसलसल है बहरहाल उसका नतीजा ये कताल फीस की मंजिल आई है चूंकि ये सारी आठ मंजिलें तय करके यहां पहुंचे थे लिहाजा कामयाबी हुई अगर ऐसे ही उछल कर नवी मंजिल पर पहुंच जाते तो नीचे गिर कर खत्म होते यह है कताल केताल फीसला अल्लाह के राम केताल बहरहाल आज के इनकलाब इस्लामी के लिए पहले पांच स्टेप जू के तू रहेंगे दावत दी जाएगी लोगों की इसलाह की जाएगी उन्हें मुनजम किया जाएगा फिर पैसिव रेजिस्टेंस के दौर से गुजरना होगा फिर एक्टिव रेजिस्टेंस लेकिन आखिरी जो है दो तरफा जंग की बजाय एक तरफा जंग आप ये ना समझिएगा मैं हिंदुस्तान में तकरीर कर रहा हूं तो मैं गांधी जी की तारीफ कर रहा हूं ये मेरी तकरीरें कैसे पहले से मौजूद है मैंने हमेशा नाम लिया है कि आज के दौर में उस इनकलाबी अमल की आखिरी स्टेज क्या होगी उसके जिमन में महात्मा गांधी का प्रोसेस दुरुस्त है नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन तरक मवालत नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस लेकिन ये स्टेजेस कब आई जब गांधी लीडर बन चुके थे उनका ये कह देना काफी था कि बदेशी कपड़ा हम नहीं पहनेंगे और हम अपना चरखा चलाएंगे पूरे हिंदुस्तान में चरखे चलने शुरू हो गए लीडर तो पहले कोई हो ना तो ये जो है इसको आज हमें कबूल करना होगा हमारे लोग कुछ दूसरे रास्तों पर चले हैं जिसकी वजह से दुनिया को मौका मिला है कि वो जिहाद के लफ्ज़ को खूब उछालें और बदनाम करें हालांकि जिहाद का ये प्रोसेस सामने हो तो किसी फितरत इंसान किसी सलीम इंसान को उस पर एतराज का कोई भी हक हासिल नहीं होगा बारक़ बारकल्ला करानसीम व नफानी व्या कुम बिलयात वकीम